मैडम सबसे तकलीफ की बात क्या है, सबसे तकलीफ की बात है कि जब ये चल रहा था, महंगाई चरम सीमा पर थी, लोग दिलदिला रहे थे, उस समय सरकार ने रिपीटेडली बार बार पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का और एलपीजी का बढ़ा दिया। अब आप कहिए आप भी बढ़ाते थे? हाँ बढ़ाते थे, लेकिन आप हमारे समय के महंगाई के आंकड़े उठा के देख लीजिए, अपने समय के महंगाई के आंकड़े। जब आग लगी हो तो उसमें आप तेल डालने का काम करेंगे? यही डाला आपने। महंगाई की आग लगी हुई थी और उसमें आपने पेट्रोल और डीजल डालकर उसको और भड़का दिया। रसोई गैस, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, मैं आपको बताऊं एक कहानी और वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं। दो हजार चार में वित्त मंत्री जी जब चुनाव थे ना, तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहा था, बहुत हम भी किसी खुशफहमी में थे देश के, हम विदेश मंत्री थे, बड़ी हमारी फोटो छपती थी जैसे आज कृष्णा जी की फोटो छपती है। मैं घूम रहा था हजारीबाग में, गांव गांव वोट देना है? आप जानती हैं एक दूर दराज गांव में एक महिला ने हमको रोका और उसने कहा, बाबू मिट्टी के तेल के दमवा तो आप बहुत बढ़ा दिए, मिट्टी के तेल का दाम बढ़ा दिए। मुझे इतनी ग्लानी हुई उस दिन कि यहां बैठ के हम फिस्कल डेफिसिट, फलना डेफिसिट, ढेकना डेफिसिट ये करते रहते हैं, उस गरीब औरत की बात मैंने नहीं सुनी थी और इसीलिए हार गया। और आज यहां बैठे हुए सारे सदस्यों से कहना चाहता हूं, अगर उसी रास्ते चलोगे तो जो मेरा हाल हुआ वही रहा। जो नहीं लड़ते हैं वो सुखी हैं, जो लड़ते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। और चूंकि आपने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लिया, सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? आरबीआई करेगा। इन्फ्लेशन से लड़ने की सारी जिम्मेदारी आपने आरबीआई के कंधे पर डाली। जब उठाना है आपको कदम तो आपने कहा आरबीआई के पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मुद्रा नीति, अब वो उसको कसे जाए। मार्च 2010 से अब तक 10 बार आरबीआई ने, 11 बार जसवंत सिंह जी मुझे करेक्ट कर रहे हैं, 11 बार आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया, 11 बार 425 बेसिस पॉइंट यानी कि 4.2% जो था उससे ये बढ़ गए और बढ़ाते बढ़ाते आज उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा, प्रधानमंत्री जी आप कभी इन लोगों के बहुत डार्लिंग हुआ करते थे, ये बिजनेस इंडिया, प्रधानमंत्री जी की फोटो है और ऊपर लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिजनेस इंडिया कह रहा है। और उससे भी भयानक बात, मैं आपसे कह रहा था इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इसलिए प्रोडक्शन नहीं होगा, देश आर्थिक स्लोडाउन के चक्कर में फंस रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? इंडिया टुडे इसमें एक उन्होंने लिखा, गुड बाय इंडिया वेलकम वर्ल्ड। भारत के जितने मशहूर कॉर्पोरेट्स हैं उनकी फोटो इसमें, और इसमें कुछ आंकड़े हैं जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष 2010-11 में 44 बिलियन डॉलर्स
भारत के उद्योगपतियों ने देश के बाहर इन्वेस्ट किया। देश के बाहर $44 बिलियन, हमारे देश के अंदर कितना आया? $27 बिलियन आया और $44 बिलियन बाहर गया। उदारीकरण है। अब देश का उद्योगपति देश में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, देश का उद्योगपति अपने धन को बाहर ले जा रहा। कभी हम लोग खुशी मनाते, आज हमें तकलीफ हो रही है इस बात की कि देश में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, देश के धन का बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अब आप इस पर विचार कीजिए, अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो लगाइए। तो अब आप इस पर विचार कीजिए, अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो लगाइए। लिबरलाइजेशन का यह मतलब नहीं है कि देश जो है वो गरीबी में गोते खाते रहे और अमीरी हमारे देश के बाहर जाए, नहीं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब आपने हर समय एक क्या होता है, एक मुद्दा पकड़ लेते हैं कि ये रामबाण, ये पैनेसिया, सब कुछ बड़ा ठीक हो जाएगा, ये एक कदम उठा लिया। कौन सा कदम? एफडीआई इन रिटेल। एफडीआई इन रिटेल आएगा तो जितना हमारे यहां प्रोडक्शन हो रहा है कृषि का वो बर्बाद हो रहा है, वो सब बर्बादी रुक जाएगी, कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें नीचे आ जाएंगी, देश बड़ा सुंदर भविष्य की ओर, सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर वॉलमार्ट आ जाएगा। मैं आज इस मौके का फायदा उठा के चेतावनी देना चाहता हूं सरकार, अमेरिका का दबाव है कि रिटेल में एफडीआई आए, मत झुके उस दबाव के सामने, मत झुके उस दबाव के सामने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे समय नहीं है लेकिन अध्ययन है अमेरिका की इकोनॉमी में, मेक्सिको की इकोनॉमी में, कि वॉलमार्ट जैसे संस्थाओं ने कैसे बर्बाद कर दिया छोटे छोटे दुकानदारों को, कैसे बर्बाद कर दिया छोटे छोटे मझोलों को और किसानों को। मत पड़िए उस चक्कर में। और जब अभी हाल में हमारे वित्त मंत्री जी गए थे यूएस, तो मैं आशा करता हूं, क्योंकि वादा करके नहीं आए हूं उनसे, हम रिटेल खोलेंगे। मैं जानता हूं कि सरकार को पार्लियामेंट के सामने आने की जरूरत नहीं है, और सदन को मैं बताना चाहता हूं कि वो एक आदेश निकालकर रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 51% कर सकते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन आज इस सदन के माध्यम से एक मैसेज आना चाहिए सरकार को और विदेशी निवेशकों को कि भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा, कुछ फायदा इससे नहीं होगा, घाटा ही घाटा होगा, नुकसान होगा। अब मुझे याद है 2005 में जब कीमतें बढ़ी, हम सरकार से बाहर हुए, तो उस समय श्रीमती सोनिया गांधी, आज नहीं है सदन में, उन्होंने कहा कि ये तो फ्यूचर्स मार्केट पे चलते हैं, जो वादा कारोबार होता है उसी के चलते कीमतें बढ़ रही हैं। 2005, आज 2011, 6 साल हो गए, अगर वादा कारोबार के चलते कीमतें बढ़ रही हैं तो वादा कारोबार को आप बंद क्यों नहीं कर देते? हर जगह आप करके गए थे, अरे हम करके गए थे व्हेन वी वर मैनेजिंग इकोनॉमी ऑफ सरप्लस, जब सब कुछ इतना ज्यादा था उसके लिए हमने नीति बनाई, आज सब कुछ शॉर्टेज में है तो दूसरी नीति चलेगी, बर्बादी किया इन्होंने। और उसमें ये जो है वादा कारोबार, अगर आपका आकलन है कि उसके चलते कीमतें बढ़ रही हैं, तो फॉर गॉड से गो हैड एंड अबॉलिश इट, फॉर गॉड से गो हैड एंड स्टॉप इट, वी विल सपोर्ट यू। लेकिन सिर्फ तोहमत लगाने से नहीं होगा, आप ये करके गए, आप कॉमनवेल्थ गेम्स में उसको बना दिए, तो हम बैठे रहे 7 साल हाथ पर हाथ रख के क्या करते। जेल में भी गए।
मैडम मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा उपाय क्या है, सूत्र क्या है। सूत्र है फूड इन्फ्लेशन, और जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और हम लोग कह रहे थे कि नहीं ओवरऑल इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, फलना इन्फ्लेशन, ढकना इन्फ्लेशन, ये सब बड़ा अच्छा चल रहा है, उस समय मेरे जैसे साधारण व्यक्ति ने कहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ ऊपर नहीं जाता है, इन्फ्लेशन लैटरली भी ट्रैवल करता है, यानी कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बाकी चीजों की भी कीमतों में वृद्धि होगी, इसको ध्यान में रखो। और उसको ध्यान में नहीं रखा गया, लैटरली फूड इन्फ्लेशन नाउ हैज अफेक्टेड फ्यूअल्स, इट हैज अफेक्टेड मैन्युफैक्चर प्राइस। तो इसको अगर हम पकड़े आज के दिन, सूत्र सूत्र है फूड इन्फ्लेशन, आपके पास है 65 मिलियन टन अनाज, और शायद इसी सदन में वित्त मंत्री जी को याद होगा एक दफा बोलते हुए मैंने कहा था कि सन 2002-2003 में जब मैं जून में छोड़कर चला गया था वित्त मंत्रालय और हमारे एमिनेंट कॉलीग जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री बने थे, तो उस साल देश का सबसे भयंकर सूखा पड़ा, रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जब से मानसून के रेन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं मैडम, इतना बड़ा सूखा नहीं पड़ा था देश में जितना सन 2002 में पड़ा था। और आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया, द सिचुएशन वुड हैव गॉन आउट हैंड लाइक इट हैज टूडे गॉन आउट। हम लोगों के पास भी 65 मिलियन टन अनाज उस समय था, तो उस 65 मिलियन टन अनाज का हम लोगों ने क्या उपयोग किया, हमने अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया। आप फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, अरे 2 रूपये गेहूं और 3 रूपये चावल तो हम 2002 में फिक्स करके गए, फूड सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करके गए हैं। आज आप इतने 9 वर्षों के बाद कहते हैं फूड सिक्योरिटी, और 2002 की कीमत पर हम बेचेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया, अन्नपूर्णा अन्न योजना शुरू किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की, जितने राज्यों में सूखा पड़ा था उन राज्यों को अपने गोदाम से मुफ्त गेहूं और चावल हम लोगों ने सप्लाई किया, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स के लिए लाखों टन गेहूं हम लोगों ने उन राज्यों को दिया। डॉक्टर केएस राव यहां बैठे हैं हमारे मित्र, उनको याद होगा कि आंध्रा में बहुत सूखा पड़ा था, चंद्रबाबू नायडू जी उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, आते थे दिल्ली, लाखों टन अनाज हम लोगों ने दिया आंध्र प्रदेश को कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू कर। इतना ही नहीं, हम लोगों ने लिबरली सरकारी गोदाम में से अपने वीट और राइस, जब गेहूं और चावल उपलब्ध कराया मिलर्स को, प्रोसेसर्स को, आटा बनाओ, मैदा बनाओ, सूजी बनाओ, बेसन बनाओ, ये करो वो करो, मार्केट में अनाज खेलो। और इतना हम लोगों ने अनाज रिलीज किया मार्केट में कि 2002-2003 का रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपके आर्थिक सर्वे के मुताबिक वॉज ओनली 3.4%, ओनली 3.4%। देश की जनता को महसूस भी नहीं हुआ कि देश में इतना बड़ा सूखा पड़ा है। और आज मैं, हमारे मित्र यहां कह रहे थे जब मैं स्टॉक्स की बात कर रहा था, गेहूं सड़ रहा, चावल सड़ रहा, रोज हम देखते हैं टीवी चैनल्स में, रोज पढ़ते हैं अखबारों में कि सरकार के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, स्टेशन पर खुले पड़ा है, कहीं खुले पड़ा है सड़क के किनारे, बोरा फट गया है, उसमें से अनाज बाहर निकल रहा है, अनाज बाहर निकल के सड़ रहा है मैडम। सुप्रीम कोर्ट रोज सरकार को की भर्त्सना कर रहा है, और हम गरीब को अनाज नहीं देंगे, हम गरीब को अनाज क्यों नहीं देते, आप भेजिए, आप अपने स्टॉक आपका अगर 65.5 मिलियन टन है, ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स यू ब्रिंग इट डाउन टू 40 मिलियन टन, 25 मिलियन टन भेजिए आप बाजार में, देखिए कैसे नहीं कीमतें नीचे होती हैं। और एक दफा अगर आपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्राइसेस के ऊपर नियंत्रण पाया ना, तो मैं जितना भी मेरा अनुभव है उसके आधार पर कहूंगा कि उसका असर पड़ेगा दूसरी चीजों के ऊपर, एंड
जो प्राइस राइज है वो कम होगा, गरीब को राहत मिलेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, इन्हीं के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल, एक न्यू नॉर्मल है, जैसे कि बुखार होता था 98.4 नॉर्मल है, अब कोई कहे कि नहीं 200 नॉर्मल, 100 नॉर्मल, ये क्या मतलब हुआ, न्यू नॉर्मल। अर्थशास्त्री कह रहे हैं न्यू नॉर्मल, रिजेक्ट न्यू नॉर्मल, देयर इज नो न्यू नॉर्मल, दिस कंट्री विल नॉट एक्सेप्ट इन्फ्लेशन ऑफ मोर देन 3%। आई एम नॉट इवन रेफरिंग टू, और अंत में मैडम फिर मैं इकोनॉमिक सर्वे की तरफ जा रहा हूं, लास्ट पॉइंट कोट कर रहा हूं, फॉर इंडिया टू डेवलप फास्टर एंड डू बेटर एज एन इकोनॉमी इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू फॉस्टर द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये इनका इकोनॉमिक सर्वे मेरा नहीं है, और ये कहा है इकोनॉमिक सर्वे ने, एक मिनट, ये कहा है, आई एम कोटिंग अगेन, सो वंस वी रिकग्नाइज दैट ऑनेस्टी इंटेग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस आर नॉट जस्ट गुड मॉरल क्वालिटीज इन देमसेल्व्स बट क्वालिटीज विच वेन इम्बाइड बाई ए सोसाइटी लीड टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, पीपल विल हैव ए टेंडेंसी टू अक्वायर दिस क्वालिटीज एंड शुड बिल्ड ए मोर टॉलरेंट एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ये इनका है, वेयर इज ट्रस्टवर्दीनेस, वेयर इज इंटेग्रिटी, वेयर इज ऑनेस्टी, और इसीलिए मैं अपनी बात की को अंत करना चाहता हूं, आप आए दोबारा सरकार में, आम आदमी के नाम पर है ना, भूले नहीं होंगे आप, आपने कहा कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, अब ये 6 लाख करोड़ जो आम आदमी के जेब से गया है, जैसा मैंने कहा मुफ्तखोर के पास गया, मुनाफाखोर के पास गया, जमाखोर के पास गया, सूदखोर के पास गया, रिश्वतखोर के पास गया, क्या ये सरकार आपकी उन्हीं लोगों के लिए चल रही है, क्या आप भूल गए आम आदमी को? अगर यहां से भ्रष्टाचार के ऊपर कठोर नियंत्रण नहीं लगेगा मैडम, तो नीचे खुला रहेगा सब कुछ, वो जो बकेट है, जो बाल्टी है, उसका कोई टेंगड़ा नहीं होगा, वो पानी गिरता जाएगा। और हमारे मित्र जसवंत सिंह जी बार बार मुझसे कह रहे थे कि नरेगा का जिक्र जरूर करना, क्यों नरेगा ही अकेले, क्यों आप जितनी स्कीम्स यहां से, आज चर्चा हो रही है, जितनी आप बेकार की स्कीम्स यहां से चलाते हैं, हां सब पैसा जा रहा है लोगों के, एंड करप्शन मैडम, करप्शन विल ओनली लीड टू कंस्पिकुअस कंजम्पशन, करप्शन का पैसा कहां खर्च करेंगे लोग, कंस्पिकुअस कंजम्पशन के ऊपर, और जब कंस्पिकुअस कंजम्पशन होगा एज ए रिजल्ट ऑफ करप्शन यू कांट कंट्रोल प्राइसेस। सो सारे जितने मैंने कारण गिनाए उसके साथ साथ अंत में मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार महंगाई के पीछे सबसे बड़ा कारण है, और उसके ऊपर अगर आप नियंत्रण नहीं पाएंगे तो जैसा कि ऑलिवर क्रॉमवेल ने चार्ल्स फर्स्ट को कहा था, फॉर गॉड से गो, फॉर गॉड से इन द नेम ऑफ गॉड गो गो, ये सदन नहीं बर्दाश्त करेगा कि हम गो गो। थैंक यू।